हाय एवरीवन, आज हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालेंगे किसके लिए, पोजीशन एंड मोमेंटम के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटेटिव हो या सेमेस्टर के एग्जाम्स हो, ठीक है ना। तो पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला देखेंगे साथ में, फिर पोजीशन एंड मोमेंटम के लिए अलग अलग से डिराइव भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स पर हमेशा क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी आपको उठा लीजिए, है ना, तो उसका अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहते तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आता है, हमेशा उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटीज होता है ना, चाहे पोजीशन हो या मोमेंटम हो, कुछ भी हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये कहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग एवरेज वैल्यूज निकालना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए पोजीशन आप लोगों ने एक जगह पर निकाल ली तो आप लोग नहीं कह सकते कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तो आप लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज के लिए निकालना पड़ेगा, और फिर उसका जो एवरेज होगा उस एवरेज को हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्या है, द एवरेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी हो सकता है, जिसे हम लोग डायनामिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, उसका अगर हम लोग एवरेज निकाले, है ना, तो अलग अलग मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग वैल्यू निकलते, उसका अगर एवरेज निकाले तो उससे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। तो हम लोग मान जाए एग्जांपल देते हैं, पोजीशन के लिए होगा तो x1 आप लोगों का पहले कुछ मेजरमेंट आया होगा, x2 कुछ आया होगा, x3 कुछ आया होगा, तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकाले x1 plus x2 plus x3 divided by 3, तो ये कहेंगे हम लोग क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा इसका, इसका क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, डेफिनेशन कुछ अलग कहता है, फॉर्मूला कुछ अलग कहता है, इससे हम लोग कैसे ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे मैं आप लोग को, वो एक अलग टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है a, है ना, तो इसका फॉर्मूला बनता है, ये ब्रैकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साइज स्टार यानी कि वेव फंक्शन जो भी दिया होगा उसका कंजुगेट, और साथ में आप लोग का a कैप यानी कि जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है उसका ऑपरेटर, और साथ में साई, और यहां पर जो भी आप लोग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर dx है तो इससे आप लोग कोई भी लगा सकते हो, dx होगा तो dx, dy होगा तो dy, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। पहले पोजीशन के बारे में देखते हैं, है ना। पोजीशन अगर वन डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर होगा क्या, x डायरेक्शन पर मान लीजिए, तो यहां पर होगा x के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x डायरेक्शन के लिए पोजीशन निकालते हैं, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई स्टार तो हमेशा रहेंगे ही, और साथ में क्या होगा, x कैप होगा और साई क्या होगा, dx होगा। अगर y होता तो यहां पर y और यहां पर y होगा, ठीक है ना। तो इसका x कैप का वैल्यू क्या है, x कैप का वैल्यू, x कैप का वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार, यानी कि पोजीशन ऑपरेटर का वैल्यू वही होता है साई dx, ठीक है ना। अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं, थ्री डायमेंशन पर क्या होगा, यहां पर r वेक्टर होगा, है ना, तो यहां पर क्या होगा, चेंज क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर होगा साई स्टार, साथ में क्या होगा, r कैप, r वेक्टर कैप या r कैप आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, है ना, पोजीशन, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, r वेक्टर मतलब क्या है, r वेक्टर मतलब आपके पोजीशन होगा x i कैप प्लस y z कैप प्लस क्या होगा, z k कैप, है ना, पोजीशन वेक्टर यही कह रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, r कैप होगा और साथ में क्या होगा, साई डीवी होगा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और ये जो पोजीशन वेक्टर है उसमें भी क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों के आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मोमेंटम के लिए देखते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम लोग कहेंगे तो पी एक्स कैप मान लीजिए, मोमेंटम के लिए हम लोग क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना, साई स्टार, और साथ में क्या होगा, मोमेंटम का ऑपरेटर, है ना, पी एक्स कैप और साथ में साई और डी एक्स, मोमेंटम ऑपरेटर क्या था, यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर साई स्टार, मोमेंटम ऑपरेटर क्या था, माइनस आई एच डैश डेल बाय डेल एक्स वन डायमेंशन के लिए और एक्स डायरेक्शन के लिए, है ना। और ये है आंसर, समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत ही इजी टॉपिक था, आई होप आप लोग यहां तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।